रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दे रहे 2 लाख ब्याज 4%। अगर 6 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी एक किडनी हमारी। 100%। भैया आप टेंशन मत लो, आपके पैसे 6 महीने में नहीं 2 महीने में लौटा दूंगा मैं। 2 महीने में 2 लाख लौटा देगा? ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हो, हमें भी बताओ। बिजनेस नहीं है ये, तो पर्सनल काम के लिए ले रहे, लौटा देंगे बिफोर टाइम। चलते हैं भैया। सुनो जी। नियम? हाँ भैया। तो महीने में 2 लाख कैसे लौटा देगा? सब मोह माया है, सुना है ना? तो हमारे कॉल सेंटर के मोह को एक माया की जरूरत थी। एक मैजिशियन की तरह हमें चुटकी एक हाथ से बजानी थी और जादू दूसरे हाथ से करना था। वो चुटकी वाला हाथ था पापड़ फैक्ट्री, एन इल्यूजन। असली मैजिक यानी हेलोजी तो उसके पीछे है। अच्छा गाइस सुनो, हम लोग को बिजनेस सैटरडे से स्टार्ट कर देना चाहिए। अरे नो, बिजनेस हमको मंडे से ही शुरू कर देना चाहिए। अरे अगर हम सब सैटरडे को हेलोजी शुरू करेंगे तो हम सबको वीकेंड ओपनिंग का मौका मिल जाएगा। संडे को मर्द अपने डॉटर, सन, मम्मियों के साथ होते, उनकी फरमाइशें पूरी करते करते पक जाते हैं। मंडे को उनको मौका मिलता है अपनी मन की टॉक करने का। वो क्या करते हैं? डिटॉक्स करने के लिए नशा ढूंढने का। और वो नशा होगा हेलो जी। आई होप हमारा बिजनेस इतना अच्छा चले अच्छा बुशु बेबी का बम है। 70 सालों में पहली बार मेरा बैंक में खाता खुल रहा है। यार नानी आपका नाम क्या है, हम तो पता ही नहीं मुझे आज तक। ज्योति की मम्मी। ज्योति तो मेरी मम्मी का नाम है। तो जब से तेरी मम्मी पैदा हुई तब से लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। अरे पर आपका कोई असली नाम तो होगा, बताओ जल्दी। हरनाक्षी शर्मा। क्या मतलब इसका? जिसकी हिरन जैसी आंखें हो। पर आपके आंखें तो तीतर के जैसी है। कौन तीतर को? नानी के साथ ऐसी बात बोल रहा हूँ मैं। क्या सच्चाई बोल रहा है? ये सब छोड़ो, ये आप अंगूठा लगाओ। ये खुल गया आपका अकाउंट। हरिनक्षी के अकाउंट में ना इतनी सारी हरियाली आने वाली थी, वो तो बेचारी बूढ़ी नानी को भी नहीं पता था। भूषु बेबी ने हेलोजी की जोरदार प्रमोशन शुरू कर दी। बिजनेस प्रमोशन के आइडियाज ना MBA स्टूडेंट को भूषु बेबी से लेने चाहिए। क्या आप अकेले हैं? क्या आप में काम सूत्र की कमी है? एक नंबर मिलाइए, कहिए हेलो जी। नंबर क्या है? ट्रिंग 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 ट्रिंग। स्पेशल ये दोस्त ले जाओ। ओके गाइस, जैसे हम लोग जब डेट पे जाते हैं हम सीसा लेसी सा पुशअप ब्रा पहनते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम जो घर पे पहनते वो कॉटन वाली गंदी सी ब्रा कोई ना देखे। उसी तरह से
क्लाइंट के लिए हमने फैंसी नाम रखे हैं। कोई भी क्लाइंट को अपना असली नाम नहीं बताएगा। दीदी, आपने अपना नाम क्या रखा था? रूबी, टिंकल, मुनमुन, देविका, स्वीटी, अनुशीला, एंजेलिना। पर दीदी, आपका असली नाम क्या है? नाम छोड़ो, भी काम पे ध्यान दो। ओके, यहाँ पे क्लाइंट्स के लिए हम लोगों ने 3 पैकेजेस बनाया है, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड। तो जितनी लंबी कॉल उतना ज्यादा माल। Got it? Go, 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 जल्दी से जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, go. Headphones पहनो अपने, fast. हेलो जी। हेलो जी, मैं आपका स्वागत है। हाँ, आप ही के कॉल का तो इंतजार था मुझे। अच्छा अच्छा, पहले ये बताइए कि आपने क्या पहना है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या पहना है। क्या है, क्या कर रही है, क्या हुआ? गो इजी, पहले पता तो कर, ये टेस्ट मैच कर रहे हैं 2020। तो बताइए फिर आपका साइज क्या है? किसका? अरे मोबाइल फोन का, 5.8 इंच, 4.6 इंच, या फिर जो अभी लेटेस्ट चल रहा है 6.9 इंचेस। आप तो बड़ी चंट है, आपका क्या साइज है बताइए। अब आप हमसे मोबाइल फोन का साइज तो पूछेंगे नहीं, तो बता देते हैं कि अगर आपने हमारी गोदी में सर रखा ना, तो आप हमारा चेहरा नहीं देख पाएंगे। आपका नाम क्या है? क्यों चांदनी, आपका असली नाम क्या है? हमारा असली नाम अब नहीं बोलेंगे, पक्का पक्का पक्का। बोलना जल्दी, कैसी दिखती है तू, बोल। फिगर ऐसा कि लोग देखने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट कर दे, चौबन ऐसा कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के एयरबैग्स खुलते हो। रंग कैसा है तेरा? गोरी, गोरी हूँ मैं। गोरा ही है ना, तो फिर इतना हगला क्यों रही है, काली तो नहीं है तू? ब्रा कौन से कलर की पहनी है तूने? ब्रा तो नहीं पहनी है। क्या बात कर रही है, ब्रा ही नहीं पहनी है तूने? और वो पैंटी? वो पहनी है, ग्रे कलर का है। छी, ये तो लड़कों वाला कलर होता है, कुछ चटकीला भड़कीला। लाल गुलाबी रंग पहनना चाहिए ना लड़कियों को, ग्रे कलर में क्या रखा है यार। सुनो ना, तुम्हारा फेवरेट स्टाइल कौन सा है? मैं बताऊं? डॉगी स्टाइल? नहीं, नबीना स्टाइल। नबीना स्टाइल? वो आंख पे पट्टी बांध के करते ना, वही। ब्लाइंडफोल्ड? हाँ। नॉटी। पता है, पैसों से आप नहीं खरीद सकते, लेकिन खरीद सकते हैं जो इन मर्दों ने दबा के खरीदा है। मर्दों को गधा कहो तो बुरा मान जाते हैं, उनको गधे की ना अकल चाहिए, ना शक्ल, ना किस्मत, बस एक चीज गधे जैसे चाहिए, और उस एक चीज के चक्कर में मेरी हेलो जियाज ने उनको ऐसा गधा बनाया कि हमारा पहला हफ्ता ही माला माल बिक्री रहा। सब लोग एक्साइटेड थे। हम बहुत ही बैडास लड़की हैं, और हमारी एस वो बड़ी गुड है। Say something nice. पुड़िया खाती हो? Shut up. और क्या क्या पीते हो? दूध, बादाम वाला।
वर्मा जी अंदर कैसे आए? निकल बाहर। अरे निकल बाहर कर। एक मिनट जो देने आए वो दे दू, फिर उसके बाद चला जाऊं। क्या देने आए? चूना के जहर। तीन कैमरे वाला केयर जी। क्या है ये तीन कैमरे वाला फोन? बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो मुझे काय दे रही है? अरे प्राची ने बताया आपको जरूरत है बिजनेस के लिए। प्राची जी तेरे को क्यों बोली भी? प्राची मुझे हर बात बताती है। बिजनेस के नाम पे याद आया, ये 1,00,000 रुपए एडवांस। जी किस चीज के एडवांस है? बाकी 24,00,000 बाद में दूंगा। अबे चोर तो तू था, अब कहीं टकैती मार रहा है? ऐसा ही समझ लो, टकैती है लेकिन पैसे की नहीं, प्यार की। अपनी बुढ़वी वाइफ को ना 25,00,000 के जेवर चढ़ाने वाला हूँ। बस आप काम पे लग जाओ ससुर जी, मतलब सुनार जी। तुम यहाँ फोकस करो ना। हाँ बेबी। तो हम कहाँ थे? यहाँ थे हम। अब क्या है? पता नहीं। किनकी कमीनी का फोन? आप एक मिनट देख लेता हूँ ना, कुछ काम से फोन किया होगा। हाय एंजेलिना। मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दिए? पासपोर्ट एजेंट का फोन आया था। अच्छा, आज ही बुलाया डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है मैं आ रही हूँ। उधर मालती काकी के इधर मिलते अपन। हाँ ठीक है। ये भाई साइड में रहे। ओ हेलो, तुम मुझे ऐसे हाई एंड ड्राई छोड़ के कहाँ चल दिए? अरे बेबी अभी आ रही हूँ, तुमको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मैं? तुम मेरी जान हो, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करने जा रही हो। बस अभी गया और अभी आया, वहीं मिलते हैं अपनी वाली जगह पे। ये ले भाई। ये ले।